अग्निपथ योजना के विरोध में रेलवे पटरी पर उतरे उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है। डुमराव, बिहियां, आरा, नेवरा, कोइलवर आदि स्टेशनों पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। कई जगह पटरियों के क्लिप खोल दिए गए और कई जगह आगजनी भी की गई। तोड़फोड़ और नुकसान के कारण ट्रेनों को सुबह 5 बजे से ही अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर रोका गया है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जहां कोइलवर में ही खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ डाउन पूर्वा एक्सप्रेस दिलदार नगर, संघमित्रा एक्सप्रेस चौसा एवं श्रमजीवी एक्सप्रेस सुबह 5 बजे से ही बक्सर रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के PRO पृथ्वीराज ने बताया कि अब तक यांत्रिक विभाग के द्वारा क्लियरेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि पटरियों आदि की जाँच की जा रही है। ऐसे में परिचालन अभी ठप है। बक्सर में जिला पदाधिकारी अमन समीर के साथ साथ SP नीरज कुमार सिंह, SDM धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, रेलवे स्टेशन प्रबंधक राजन कुमार, GRP थानाध्यक्ष रामाशीष प्रसाद, RPF प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार एवं ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के शाखा अध्यक्ष अजय कुमार ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया तथा रेल यात्रियों से बातचीत की। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि रेलवे स्टेशन पर 2 मजिस्ट्रेट एवं पर्याप्त संख्या में बल लगाया जाए, जिससे कि उपद्रवियों पर अंकुश कसा जा सके। SDM धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि रेलवे की संपत्ति को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। रेलवे स्टेशन पर कोई अनहोनी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ रेल प्रशासन के साथ मिलकर परिचालन को भी जल्द ही शुरू कराए जाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे की परिसंपत्तियों को सुरक्षा देना पहली प्राथमिकता है और जल्दी से जल्दी परिचालन शुरू करवाएं। इन परिचालन सिर्फ हम लोगों के स्टेशन के हाथ में नहीं है, हमारे यहाँ स्थिति ठीक है, बाकी स्टेशनों की कुछ समस्याएं भी है। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हमारे स्टेशन से कोई संपत्ति का नुकसान नहीं हो, विधि व्यवस्था में कोई स्थिति बिगड़े नहीं। इसके लिए सुबह 5 बजे से यहाँ श्रमजीवी खड़ी है सर, लगभग 7 घंटे होने जा रहे हैं। डुमराव में प्रशासन और स्थानीय प्रशासन दोनों पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उसका परिचालन शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दोपहर तकरीबन 2:45 तक रेलवे का परिचालन शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में यात्रियों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही रेलवे का परिचालन शुरू हो। हालांकि जहां जहां पटरियां उखाड़ी गई हैं, वहां उनकी मरम्मत करना तथा अन्य नुकसान को भी ठीक करना बेहद आवश्यक है, ताकि